श्रीकाल, हेलो, हाय, आदाब, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच आपकी। मुझे एक्चुअली लग रहा है कि हम काफी अर्सा बाद मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट वाली वीक जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मसला था। एनीवेज, बिफोर यू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस न्यूज फॉर मी विद यू गाइस। दो हफ्ते हो गए मेरे पेट में, यू नो, ये न्यूज गुड़गुड़ कर रही है। एक्चुअली द बिगेस्ट हैपनिंग ऑफ द ईयर, एक्चुअली ईयर नहीं मुझे उसको कहना चाहिए, मुझे उसको बिगेस्ट हैपनिंग ऑफ दिस होल डेकेड कहना चाहिए, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी। ओ माय गॉड। सो खैर, लेट्स गो ऑन टुवर्ड्स लाइन पे आओ और फिर हम इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑलराइट, सो इस बार लाइन पे आओ में द मोस्ट, यू नो, लाइक वी सेड, एक्साइटिंग हैपनिंग ऑफ दिस डेकेड, लाइक आई सेड, सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक की शादी। वेल, आई एम श्योर अब तक आपको ये न्यूज पता लगी गई होगी कि 15th अप्रैल को एक्चुअली शादी अंजाम पाने वाली है। इंशाल्लाह, 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 कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि पहले बहुत सारे, यू नो, काले साए मंडला चुके हैं। और खैर, उसके बाद 15th के बाद, अच्छा, एक्चुअली व्हाई शुड आई टेल यू ऑल दिस स्टफ, आप जाकर एक पैकेज देखिए जो, यू नो, स्पेशली सानिया और शोएब की शादी को डेडिकेटेड है। शोबिस के अलावा अब आते हैं स्पोर्ट्स स्टार की लाइमलाइट में। हम बात कर रहे हैं शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की। तेईस साल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इससे पहले भी अपने कजन और बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा से मंगनी कर चुकी थी। सोहराब मिर्जा ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी मंगनी के 6 महीने के अंदर ही टूट जाएगी, लेकिन मंगनी के दिन बात ही कुछ और थी। सोहराब ने सानिया को डायमंड की रिंग दी। सानिया का ड्रेस उनकी नानी ने खसूसी तौर पर डिजाइन किया था और ये तय हुआ था कि सानिया और सोहराब की 2 साल में शादी हो जाएगी, लेकिन मंगनी टूट गई। लेकिन हमारे शोएब मलिक भी इतने दूध के धुले नहीं, वो इससे पहले भी सरद पारिश लड़ा चुके हैं। कभी तो हैदराबाद की ही आयशा सिद्दीकी की टेलीफोन पर आवाज सुनकर मर मिटे, तो कभी वो बॉलीवुड स्टार से आली भगत की जुल्फों के आसेर हो गए, लेकिन इस बार तो उन्होंने किसी को हवा तक नहीं लगने दी और सानिया को कैच कर लिया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बाखबर लोगों का कहना है कि सानिया मिर्जा और शोएब पहली मर्तबा हालिया 2020 क्रिकेट सीरीज के मौका पर मिले, फोन पर बातें होने लगी और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, जिसके बाद शोएब के अहले खाना सानिया का रिश्ता लेने हैदराबाद पहुंचे। जब सानिया मिर्जा और शोएब की शादी की खबर मीडिया ने ब्रेक की तो करोड़ों भारतीय नौजवानों का दिल टूट गया। इट इज नाउ कंफर्म सानिया मिर्जा इज इंडीड मैरिंग पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक। पाकिस्तानियों ने ज्यादा खुशी का इजहार किया और शोएब के शहर सियालकोट के लोग तो भंगड़े डालते सड़कों पर आ गए। पाकिस्तानी अवाम को सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि दुल्हन भारत से आएगी। दूसरी तरफ इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने सानिया के खिलाफ मुजाहरे किए, जिसमें टेनिस स्टार के पोस्टर्स भी फाड़े गए। इस दौरान सानिया मिर्जा सबको मिठाइयां बांटने में मसरूफ रही। सब कुछ नॉर्मल ही था कि आयशा सिद्दीकी ने विलेन वाली एंट्री डाल दी। ये ठाकुर के आदमियों का ही काम है। आयशा सिद्दीकी ने शोएब पर इल्जाम लगाया कि शोएब हैं उनके हस्बैंड और वो नहीं कर सकते सानिया से शादी। अब इसको बचपना कहेंगे या दीवानगी, शोएब ने खुद एक टीवी इंटरव्यू पे आयशा से निकाह तस्लीम किया था। मेरी शादी हो चुकी, मेरा निकाह हो चुका हुआ है और वो जद्दा में रहते हैं, वैसे वो इंडिया हैदराबाद के रहने वाले हैं बेसिकली, तो उनका नाम आयशा है और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई कॉल भी आती है तो मैं नहीं अटेंड करता। आयशा या माहा जो भी है ने शोएब के खिलाफ कटवाई FIR, जिसकी वजह से परदेश में हुए शोएब परेशान। सानिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब ने कहा, आई थिंक निकाह बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, सो इट्स अ लीगल थिंग, जस्ट प्रूव इट, देन आई एम हियर, देन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जस्ट फर्स्ट प्रूव इट। और शोएब के साथ साथ खड़ी सानिया का कहना था कि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, लेट देम इन्वेस्टिगेट, इफ देर इज अ निकाह एंड द कोर्ट प्रूव्स इट, ही इज रेडी टू डू वट एवर ही सेड इट हिमसेल्फ, इफ देर इज नो, इफ इज नॉट प्रूवन, वी नो वट द ट्रूथ इज, आर फैमिली नोज, ही नोज, आई नो, वी नो वट द ट्रूथ इज एंड इट विल कम आउट एंड वी बिलीव इन जस्टिस। शोएब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यही कहा कि अगर आयशा सिद्दीकी सच बोल रही है तो उसको सामने आना चाहिए, लेकिन उन्हें आना था ना वो आई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ही शोएब मलिक ने आयशा को शरई तलाकनामा भेज दिया। यूं शोएब की लाइफ से हुई आयशा आउट और सानिया इन। इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान आऊंगी, एक दिन पाकिस्तान आऊंगी। तो 15th को एक्चुअली हैदराबाद में क्या होती है, बारात होती है लड़की की। एग्जैक्टली, यू नो, हमारी टेनिस प्लेयर सुपरस्टार की बारात है विद शोएब मलिक। और 17th को फैमिली वापस आएगी लाहौर में होपफुली, और वलीमा यू नो यहाँ पर अंजाम पाएगा, आई शुड से। खैर, यू नो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, शादी वाज वेरी एक्साइटिंग एंड ऑल, यू नो यू सॉ द पैकेज, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसने यू नो इस स्पेशल इवेंट, ऑफकोर्स इंडियन, यू नो शी इज special player and Indian tennis superstar and all, or she's marrying a Pakistani superstar cricket player, so इससे दोनों के बच्चे कितने sporty होंगे ना। अच्छा, खैर, on a serious note, what I'm going to say is, you know, इसमें एक जो सबसे important, वो कहते हैं ना, एक शुरशुरी थी, that was आयशा सिद्दीकी का केस। अब पता नहीं वो आयशा सिद्दीकी थी या वो महा सिद्दीकी थी, वो जो भी थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। और इससे पहले वो आई बिलीव 2-3 साल पहले भी एक ड्रामा क्रिएट कर चुकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यू नो उन्होंने मुझसे निकाह किया था नॉ, लेकिन शोएब मलिक कह रहे थे कि नहीं वो मेरी आपा हैं। इससे अगर आप उनका नो ऑफेंस, लेकिन अगर आप उनको देखें तो वो आपा ही हैं। आई डोंट नो शोएब मलिक कैसे कोई बंदा उनसे नहीं कह रही मैं ये बात, लेकिन ओके फाइन। सो लेट्स गो एंड टेक आयशा सिद्दीकी ऑनलाइन कि वो क्या हुआ उनकी जिंदगी में, इतना यू नो इतने ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स एंड ऑल दैट, ये सब क्या चल रहा था। अच्छा आयशा, आप हमें ये बताएं कि आपके पास सबूत था, बकौल आपके निकाह हुआ था एंड ऑल दैट, आप फिर भी, और शोएब मलिक बार बार ये कहते रहे कि अगर आयशा के पास सबूत है तो वो सामने आए, सबूत है तो सामने आए, आप सामने क्यों नहीं आई मीडिया के, आपका कोई पर्दा है, क्या मसला है? आपके पेरेंट्स तो थे, आप क्यों नहीं थी? सामने तब आने की जरूरत पड़ेगी कि अगर मैं आपको कोई गलत तस्वीर दे रही हूँ, तस्वीर तो मेरी है, इस बात का कोई दोहरा नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर में है मैं इनसे मिलता था, लेकिन ये बन गया मिलता, तस्वीर तो मेरी है, आवाज मेरी है, तस्वीर मेरी है, तो फिर मसला क्या है? अगर मैं नहीं आना चाहती, बिकॉज आई एम नॉट वेल, सीरियसली मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, आई एम रियली रियली ओवरवेट, तो मुझे बहुत बहुत एहसास है कमजोरी के मैं शिकार हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वाकई में, मैं आप लोग से बहुत ऑनेस्ट होकर कह रही हूँ, मतलब जाहिर है मुझे तकलीफ हो रही है कि मुझे आपसे ऑनेस्टी से मतलब इतना अपने आप को गिराना पड़ रहा है, लेकिन वाकई में आई डोंट थिंक आई फील राइट कमिंग आउट, एंड व्हेन आई हैव टू फॉर यू नो ऑफिशियल रीजंस आई विल बी आउट एंड यू विल सी मी। अब आज इतने साल की बात ही नहीं है, ये तो 3 साल पहले हमारी बात खत्म हो गई थी, तो हमने सोचा था कि ओके रफा दफा कर दिया, हम कुछ अपनी तरफ से कर लेंगे, लेकिन शोएब मलिक का उस वक्त मेरे ख्याल से किसी से पैर चला था, तो इन्होंने फिर अपनी बयानबाजी शुरू की थी कि मेरी शादी नहीं हुई और ये वो, जब लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा सवाल किए तो उन्होंने कहा कि धोखेबाजी हुई थी। खुद अंदाजा लगाएं कि सानिया मिर्जा के बारे में क्या कहा जा सकता है, मैं क्या उनसे कहूंगी, मेरे तो काबो ख्याल में नहीं है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक से शादी कर रही है, मुझे ये अलबत्ता पता था, ये वो दोनों डिनाई नहीं कर सकते और सानिया को डिनाई नहीं कर सकती कि सानिया ने खुद बोला था शोएब को कि आपके सास ससुर अंदर बैठे हैं दिल्ली में 2000 में, अब वो अगर मुकर रही है या जो कर रही है आई रियली डोंट केयर, आई मीन अब जब वो मेरे बारे में और मेरी फैमिली में उंगली उठाएंगी। ओके, आपने सुन लिया आयशा सिद्दीकी की बातें, वो थोड़ी सी कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस उन्होंने ये इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तो हुई नहीं, अलबत्त वेट के बारे में वो कॉन्शियस हैं, केयर हर चॉइस। अच्छा, अब शोएब और सानिया तो यू नो सॉर्ट आउट हो रही हैं चीजें, नहीं होप कि एक अच्छा शादीशुदा कपल होगा उनका। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज यू नो वीना मलिक एंड मोहम्मद आसिफ, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ का ब्रेकअप हो गया था, और वीना मलिक ने यू नो आसिफ से कुछ उनको कोई उनके घर का जिम का सामान लेके दिया हुआ था, यू नो शी क्लेम दैट बैक, और हमने सुना कि आसिफ ने उनको चेक लिख के दिए। तो अब मोहम्मद आसिफ ये कह रहे हैं कि वीना मलिक बिल्कुल झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही उन्होंने उनको कोई चेक देना है।